नमस्कार, सलाम प्रणाम और सुबह के जेडएक्स न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन से। आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं जिसके अंदर भारत के मंत्री पीयूष गोयल जी और भारत के विदेश मंत्री दिखाई दे रहे हैं और ट्रेड डील भी हो गई है। दोस्तों, इस पिछले साल से लेकर इस साल तक यह तीसरी बड़ी ट्रेड डील है। इससे पहले बड़ी ट्रेड डील यूएई के अंदर हुई थी, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई थी और अब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के अंदर भी ये फ्री ट्रेड डील हो गई है। दोस्तों, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या है सबसे पहले वो जानते हैं। दोस्तों, आने वाले 15 सालों तक इस यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के अंदर 4 देश हैं। ये 4 देश भारत के अंदर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट भारत के आईटी, ऑडियो विजुअल्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के सेक्टर्स के अंदर होने वाली है और बेसिकली भारत की प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके अंदर ये इन्वेस्टमेंट होगी। अब दोस्तों, आप कह सकते हो कि मोदी जी ने देश बेच दिया, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मोदी साहब के हाथ में तो कुछ है नहीं। लेकिन ये एक बातें आपकी बिल्कुल सही हो सकती हैं किसी एक पॉइंट में, लेकिन देश आज चल रहा है प्राइवेट कंपनियों के कारण चल रहा है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। जरूर दोस्तों, ये जो एक सारी इन्वेस्टमेंट है कंपनीज के थ्रू आ रही है, लेकिन मोदी सरकार को चाहिए कि देश के जो छोटे गांव हैं, देश के जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर भी कंपनीज का सिस्टम एक डेवलप किया जाए। बड़े बड़े महानगरों को बहुत डेवलप कर लिया, और कितना महानगरों का विस्तार करेंगे। गाँव लगातार खाली हो, महानगरों में भीड़ बढ़ रही है, शहरों में भी भीड़ बढ़ रही है, और ये भीड़ बढ़ती हुई के साथ साथ जो सिस्टम है वो सिस्टम भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। यही कारण है कि वो उनको भी समझ है और उनके पास तो बहुत सी चीज़ें हैं एक देश के बारे में जानने को, और उसको लेकर वो काम भी कर रहे हैं। तो यही कारण है कि दोस्तों, सब्र, संयम सबको रखना पड़ेगा, सबकी बारी आएगी। तो यही कारण है कि भैया मोदी सरकार जोर तो लगा रही है, लेकिन एट द एंड संस्कृति के ऊपर ही सबसे बड़ी बात है। लोगों की समझ अच्छी होगी, लोगों के विचारों का विस्तार होगा, तभी तो वो अपनी संस्कृति की तरफ वापस जाएंगे। आजकल कोई संस्कृति के बारे में बोल दे तो भैया जेब में उसके पैसा नहीं, घर के उसके हालात सही नहीं, तो वो संस्कृति को लेकर क्या कर सकता है। तो यही कारण है कि पीएम मोदी जी की सोच वाकई में ही सही है कि पहले देश का डेवलपमेंट करो, देश के लोगों के विचारों का विस्तार करो और फिर संस्कृति को लेकर कुछ किया जा सकता है। तो यही कारण है कि जो हो रहा है सही हो रहा है, और भगवान की कृपा से देख लीजिए ये काम हो रहा है। आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के अंदर। देखो अपने मंदिरा मस्ता गुरुद्वारिया गिरजिया कितना साफ रखते हाँ, सुथरा रखते हाँ, कितनी सफाई रखते हाँ, क्योंकि असी खुद बनाए हुए हैं, साढ़ा रुपया पैसा लगा हुआ है। लेकिन जड़ी मालिक ने अपने रहन वास्ते जगह बनाई है, जिथे वह परमेश्वर बैठा है, जिथो सानू मिलना है, और अंदर कदे मांस पा देंगे हाँ, कदे शराब पा देंगे हाँ, कदे भेड़े खोटे बैठ के पाप और कर्म करने शुरू कर देंगे हाँ, अपनी बनाई हुई चीज चीज की कदर करते हाँ, मालिक की बनाई हुई चीज की कोई कदर नहीं करता। फिर कई दफा तो हिस्ट्री पढ़ के इतनी शर्म आती है, साढ़े बनाए हुए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां गिरजियां की गलती दे नाल कोई दीवार की एक इट भी गिर जाए, असी परमात्मा के साझे हुए हरिमंदरां नूं हजारों की तादाद विच गुराउण वास्ते जाने हाँ। इंसान इंसान नाल नफरत करता है, इटा पत्थरां नाल प्यार करता है, फिर असी अपने आप नूं शहीद कराने हाँ, मजहब के रखवाले कराने हाँ। अगर एक दूसरे के गले कट्टण दे नाल ही परमात्मा मिल सकता होवे, इस तो सस्ता सौदा होर कीड़ा हो सकता है।